और मेरा भाई शिवी। और दामाद आपका पीएसएल जीत गया है, बहुत बहुत मुबारक हो जी। लाहौर कलंदर एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। और मुल्तान सुल्तान को भी खास तौर पे दे डिजर्व प्ले फॉर फाइनल, बट लेकिन आई थिंक आउटस्टैंडिंग मैच हुआ। इस तरह के मैचेस और फाइनल होना भी इसी तरह चाहिए। और एक और खबर कि हम भी फाइनल में पहुंच गए। अच्छा, दामाद पहुंच गया, ससुर भी फाइनल पहुंच गया कि नहीं? आहो ना, हमारी बारी है फाइनल जीतने की। फाइनल बात सुनो, दामाद तुम्हारा फाइनल जीत गया है, अब तुम्हारा फाइनल जीतना रहता है भाई। जरूरी है, बहुत जरूरी है, अब तो टसल हो गई है। टसल हो गई है, जीत सकते हैं, हम क्यों नहीं जीत सकते भाई। सारी पुरानी बंदूकें हैं मेरे पास, सारी पुरानी बंदूकें। अच्छी बात ये कि चलती है सारी बंदूकें। इस पुरानी बंदूक को तूने बैटिंग के लिए क्यों नहीं भेजा? इसको ये मिसबा जो है वो हमेशा मुश्किल वक्त का प्लेयर है, तो मुश्किल वक्त नहीं था, हर चीज सही चल रही थी, तो मिसबा जो है ना उसकी कप्तानी मेरे। वैसे मैं अग्री नहीं करता इसकी सोच से, वैसे लगे हम 220 कर सकते थे, तू जल्दी भेज आना। ये दो बैठे हुए, दोनों ने कैच उड़ा। व्हाट हैपेंड? हम चाह रहे थे कि मैच अच्छा हो जाए। व्हाट? क्या कहा वो? एट द मोमेंट ही इज रेस्टिंग इन पीस। अच्छा, इन दोनों ने माशाल्लाह कैच छोड़ा था, रिजी और फरीदी ने। एनी कमेंट्स? तू बड़ा जॉन्टी रोड से है, इतने बड़े कैचेस पकड़े हैं यार, इतने लॉलीपॉप तो दोनों छोड़ दिए। न्यूजीलैंड में इन्होंने दो कैच छोड़े थे। हाँ यस, रिमेम्बर दैट। मेरी तरफ कैच है, मैं जितने प्रेशर में था मुझे दोनों कैच, एक आंग में वो वाला कैच और एक में वो बॉल नहीं देख रहा था मुझे। क्या सिर्फ बताना चाह रहा है कि उसने कैच पकड़ा है, कैच पकड़ा है। नहीं, वो लोगों ने देखा है।